अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो के अंदर मैं अपने प्यारे दोस्तों की पेश खिदमत में एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी का रिव्यू लेकर हाजिर हूँ, जिसको आप एक्सचेंज भी कर सकती हो। मार्च के लिए भी ये गाड़ी अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ कि जो सस्ती गाड़ी हो उसका ऐड लगाया जाए। मेरी यही कोशिश होती है कि जिस गाड़ी का भी ऐड लगाऊँ वो सस्ती गाड़ी हो। और आज के नई वीडियो के अंदर भी मैं आपकी पेश खिदमत में एक बहुत ही कम कीमत वाली गाड़ी का रिव्यू लेकर हाजिर हूँ। इंशाल्लाह ये गाड़ी आपके बजट के मुताबिक होगी और इसकी कीमत भी आप सुन के हैरान रह जाएंगे। कंडीशन के मुताबिक भी इस गाड़ी की कीमत बहुत कम रखी गई है। इसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन, गाड़ी के ओनर का रब्ता नंबर, प्राइस, मॉडल, गाड़ी कहाँ पे मौजूद है, सारी तफसीलात मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जो दोस्त भाई भी इस गाड़ी को ख़रीदना चाहता है तो उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखे, कहीं से भी स्किप ना करे, ताकि इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बआसानी उस तक पहुँच सके। और जो दोस्त भाई भी गाड़ियाँ खरीदना चाहता है तो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करके बैल के उनको ऑल पर निबल कर दे, ताकि रोजाना की बुनियाद पर गाड़ियों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बआसानी उस तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1984 मॉडल ये गाड़ी है। सबसे पहले हम गाड़ी के मार्चे के बारे में बात करेंगे। प्यार दोस्तों, गाड़ी के ओनर का कहना है कि यह गाड़ी एक्सचेंज के लिए भी अवेलेबल है। मजदा आईएस के साथ आप इस गाड़ी को एक्सचेंज कर सकते हो, मार्चा कर सकते हो। जिस दोस्त भाई के पास मजदा आईएस है अवेलेबल है तो वो इस गाड़ी के साथ मार्चा कर सकता है ओनर से रब्ता करके। अगर बात की जाए गाड़ी की एक्सटीरियर डिपार्टमेंट्स के बारे में तो प्यार दोस्तों, गाड़ी एक्सटीरियर से आपको ब्रांड न्यू कंडीशन में देखने को मिलेगी। जैसा कि आप पिक्चर में मुलाहिजा कर सकते हो, गाड़ी में आपको कोई भी माइनर सा टचअप और मेजर टचअप भी देखने को नहीं मिलेगा। गाड़ी फ्रंट, बैक और साइड से बिल्कुल नीट और क्लीन मौजूद है। अगर बात की जाए गाड़ी की छत की तो वो भी आप देख सकते हो, वो भी बेहतरीन कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। गाड़ी की छत में आपको जंग वगैरह भी लगी हुई बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। गाड़ी की साइडों में भी आपको जंग वगैरह, खराशी और टचअप वगैरह लगे हुए बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। इसके अलावा इसके ओनर का बताना है कि गाड़ी किसी भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं रही है, किसी भी हादसात वगैरह में ये गाड़ी मुलव्वस नहीं है। अगर बात की जाए गाड़ी की टायरों की कंडीशन के बारे में तो प्यार दोस्तों, गाड़ी में आपको 90% बेहतरीन कंडीशन में खूबसूरत लायरिंग के साथ ब्रांड न्यू कंडीशन टायर देखने को मिलेंगे, जो कि आप पिक्चर में मुलाहिजा कर सकते हो। बेहतरीन कंडीशन में चार टायर मौजूद हैं। प्यार दोस्तों, गाड़ी की डिफरेंट एंगल्स में आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप तसल्ली से चेक कर सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सब ओरिजिनल हैं, ओनर के कहने के मुताबिक हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के हवाले से। प्यार दोस्तों, गाड़ी इंटीरियर से भी आप देख सकते हो गाड़ी के तमाम सीट कवर अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं। ब्रांड न्यू तो नहीं है पर आपको बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी के तमाम सीट कवर देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए गाड़ी के डैशबोर्ड के बारे में तो वो भी आप देख सकते हो, बेहतरीन कंडीशन में आपको गाड़ी का डैशबोर्ड भी देखने को मिलेगा। गाड़ी के तमाम सीट कवर अच्छी कंडीशन में मौजूद है। गाड़ी इंटीरियर और एक्सटीरियर से 100% ओके है। कोई भी खराबी वगैरह आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी। गाड़ी में 1 रुपया के भी वर्क रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट आप इसे खरीद के ड्राइव कर सकते हो। अगर बात की जाए गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की तो प्यार दोस्तों, गाड़ी के तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के ओनर के पास मौजूद हैं, क्लियर हैं, कंप्लीट हैं, ओरिजिनल हैं और इस गाड़ी के तमाम टैक्स टोकन भी पेड हैं। प्यार दोस्तों, गाड़ी का ओनर गाड़ी का 10 लाख रुपया डिमांड कर रहा है, 10 लाख रुपया वो इस गाड़ी का मांग रहा है। जो दोस्त भाई भी इस गाड़ी के मुतालिक मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है या कीमत में थोड़ी बहुत इसी कमी बेशी करवाना चाहता है तो वो गाड़ी के ओनर से रब्ता करके मजीद तफसीलात भी हासिल कर सकता है और कीमत में मजीद थोड़ी बहुत इसी कमी भी करवा सकता है। गाड़ी के ओनर का रब्ता नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर गाड़ी सेल हो जाती है तो गाड़ी के ओनर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन से हटा लिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, शुक्रिया।